वाला सब काम कर रहा है, बाकी दूसरा सब काम नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है आप, क्या कर रहे हैं बीजेपी, क्या आप अपने को पहचानिए, आप अपने को क्या कर रहे हैं, आपको बता कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 47 लाख लोग मर गए, आप अपना बताइए क्या कर रहे हैं। आप 47 लाख कौन मर गया है आदमी, कोरोना मर गया कौन, रुक तेरे को बताते डब्ल्यूएचओ को हम जीरो वैल्यू देते हैं। डब्ल्यूएचओ पर मैं भैया ब्लड दर्ज करने की कार्रवाई कर रखा हूँ। क्या बात कर रहे हैं, WHO जीरो है, मर लिए कुछ नहीं है। तुम्हें शर्म है, कुछ कुछ शर्म आया है, चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, भेज दो WHO को। जो मोदी जी कह रहे वही सही, मोदी जी मैंने माने जानता मोदी जी को, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मोदी जी का अपना कर्म है, बम मरा नोटिया का अपना कर्म है, बात करने दो ना, का अपना कर्म है, तो आप अपने कर्म से लोग महान बनेगा। अरे कौन भौंक रहा है ये बत्तर, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, तो मोदी अपने ट्रैक पर जा रहे हैं। अच्छा रुकिए ना भाई, अरे मैं अलग ट्रैक पर नहीं जाना चाहिए। अरे रुकिए ना भाई, तो आपको लगता है बेरोजगारी के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? गुड क्वेश्चन, नहीं है जिम्मेदार सरकार कहाँ से हो जाएगी, एक बात बताओ कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आप मुख्यमंत्री को भी ले लो, अगर मुख्यमंत्री एक एक बंदे के पीछे घूमेगा नहीं तो सरकार हम लोग क्यों चुनते हैं? सरकार चुनते हैं तो अपने व्यवस्था के लिए चुनते हैं ना। अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल, पिलियल बोल। तो व्यवस्था उसी का, तो कानून व्यवस्था बेरोजगारी ये सब उसी के जिम्मे आता है भाई। श्रम मंत्रालय है सरकार के पास, यानी कि हम डायरेक्ट फोन करके बोलेंगे हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमें काम नहीं मिल रहा, हमें यहाँ लोग परेशान कर रहे हैं। देखा अपने लापरवाही का नतीजा है ये क्या? एक एक आदमी की बात थोड़ी ना सुनेंगे वो। बवासीर एक आम समस्या है। और क्या मनमोहन सिंह में क्या खराबी थी जो उसको हटा दिया? ये पता नहीं। अच्छा गैस कितना में मिल रहा है? गैस भी महंगा है, 1000 रुपए। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए भी मोदी जिम्मेदार नहीं है, कौन जिम्मेदार है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, चलाएगा सरदार जी, कौन जिम्मेदार है गैस के लिए भाई? ये तो सरकार ही जिम्मेदार है और गाय के लिए जिम्मेदार। वाह मोदी जी वाह वाह। बेरोजगारी के लिए, बेरोजगारी अपने आप जिम्मेदारी बनती है, बंदा कमाएगा तो तभी खाएगा, बेरोजगारी सुना ऐसे हो जाएगी। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। आप कह रहा मुस्कुरा रहे, आप पार्टी में नहीं है क्या? बताइए, ये है पब्लिक माइंड सेट भाई साहब, अद्भुत है। क्या कितना पढ़ाई लिखाई किए हैं? ऐसा है, अरे पहले बताइए सवाल हमारा। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब लीजिए तो शांति से लीजिए। अच्छा आप कितना पढ़े लिखे? मैं आपको, आप कितना पढ़े लिखे हैं ये बताइए। मैं तो मास्टर हूँ। आप मास्टर हैं, लेकिन हम आपको मास्टर के में जीरो मानते हैं। मगर क्यों? ठीक है, पूर्वाग्रह से ग्रसित जो व्यक्ति, जो शिक्षा किसी को कल्याण के अकारी नहीं हो, अकल्याणकारी हो देश और समाज के लिए, वो शिक्षा जीरो है। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। और आपकी शिक्षा वो इसलिए मैं जीरो मानता हूँ, ये जात बनाया ये मुगलों ने। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, हम मुगल से पहले, हम उससे पहले जाति नहीं थी, कुछ भी नहीं थी ना। हाँ जी नहीं, सम्राट अशोक कौन जात के थे? सम्राट अशोक क्षत्रिय जात, जाति नहीं थी तो क्षत्रिय कैसे हो गया? क्षत्रिय ये पद है। हाँ। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हाँ। ब्राह्मण एक पद है। हाँ। क्षत्रिय एक पद है। हाँ। वैश्य एक पद है। ठीक है, अंतर के तो प्रधानमंत्री है। एक ब्राह्मण क्या क्या आर्गुमेंट दे सकता है? आप लोग को फैसला करना है। बनने दीजिए, शर्म शर्म करो शर्म ये। फिर हम इस बता देंगे आपको क्या क्या हम कर सकते हैं। पहला तुमसे ना हो पाएगा। पहला काम संविधान खत्म कीजिएगा। पहला काम इस कचरे को खत्म करना है इस देश। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। संविधान कचरा मुक्त नहीं, संविधान कचरा नहीं बता रहा हूँ, संविधान की विसंगति को दूर करेंगे। लेकिन देश में जो कचरे हैं, कचरा है? कचरा बता देंगे महाराज, जब कचरा पर काम करेंगे ना बता देंगे, बहुत कचरे हैं। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के।